हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिश भारती और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिसिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसीमोल 650 टैबलेट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पैसीमोल 650 टैबलेट यूज़ की होगी, और वो लोग भी ये वीडियो को देख सकते हैं जिन्होंने पैसीमोल 650 टैबलेट अभी तक यूज़ नहीं किए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैसीमोल 650 टैबलेट का यूजेस क्या है, इसे किस कंडीशन में लेना पड़ता है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों चलिए पैसीमोल टैबलेट के बारे में जानते हैं कि उसकी पैकिंग किस तरीके से रहती है, क्या यूजेज होते हैं और कैसे इसके साइड इफ़ेक्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि उसकी पैकिंग कुछ इस तरीके से होती है। ये 15 गोली की स्ट्रिप आती है और इसका अगर प्राइस की बात करें तो 28.05 रुपये इसकी प्राइस है 15 गोली की। मतलब एक गोली लगभग पड़ती है हमें ₹1.80 में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका कंटेंट दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर है पैरासीटामोल और इसका ब्रांड नेम है पैसीमोल टैबलेट, आप देख सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले इसका यूज़ होता है हेडेक में, फीवर में और टूथएक में और डेंटल पेन में। दोस्तों, इसको मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। इसका यूज़ होता है सर दुखने के लिए, बुखार के लिए, जो टूथ बोले तो दांत दुखते हैं उसके लिए इसका यूजेज होता है। तो इसका मेजर यूज़ है, आपको किसी भी तरीके का मार लगा हो, यानी कि आप कहीं गिर गए, चोट लगी हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका एक मेजर साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपके लीवर को डैमेज होने का खतरा होता है, और दूसरा, इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पर स्वेलिंग आ सकती है। इससे एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि आपके चेहरे पे इससे सूजन आ जाती है और थ्रोट में, मतलब गले में और माउथ में डिफ़िकल्ट हो जाती है। और उसके अलावा दोस्तों, आपको इसके अलावा आपको तो इससे खुजली भी आ सकती है, रैशेस पड़ सकते हैं और आपको कुछ खाने पीने में, यहाँ से निगलने में भी तकलीफ़ हो सकती है। आप कोई भी टैबलेट को या कोई भी सिरप को या कोई भी मेडिसिन को डॉक्टर की सलाह के बगैर ना लें। दोस्तों, अगर आप इसी तरह से मेडिसिन के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दे। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगती है, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस पर कमेंट करना ना भूलें। और आप भी कोई मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।